यह मेथी का थेपला खाने में तो टेस्टी लगता ही है, साथ ही साथ काफी समय तक खराब नहीं होता है। इसे हम सफर में भी ले जा सकते हैं। वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे मेथी के थेपले जो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। तो कैसे इन्हें सेफ रखना है वो हम वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर ली है 2 कप मेथी। मेथी को अच्छी तरह से हमें पानी से वॉश करके इसको हमें बारीक अच्छे से कट करना है। 2 कप हमें चाहिए गेहूँ का आटा। 1/4 कप हमें यहाँ पर चाहिए बेसन। 2 कप हमने यहाँ पर ली है मेथी जिसको हमने अच्छे से धोकर कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लिया है तेल। हमने लिया है नमक 1 टीस्पून। गरम मसाला हमने लिया 1 टीस्पून। हरी सौंफ हमने ली है 1 टीस्पून। 2 टेबल स्पून हमने लिया हरी मिर्च पाउडर का पेस्ट। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर ली है अजवाइन। हींग ली है हमने 1 पिंच। 1 बाउल में हमने कट की हुई मेथी ली है। तो सारे सामान हम इसमें मिक्स कर देते हैं। सभी को अच्छी तरह से हमें मिक्स करके इसका हमें एक डो लगाना है। डो को हम हल्के गर्म पानी से ही हमें इसको गूंथना है। तो चलिए सभी को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी हम इसमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, जितना चाहिएगा उतना ही डालेंगे, क्योंकि हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है इसका। डो हमारा लगकर तैयार हो गया है। 10 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं। डो अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से हम इसको मेश करेंगे। थोड़ा सा तेल लगाकर हमें इसको मेश करना है और इसके हमें नींबू के आकार की छोटी छोटी सी जो है गोलियाँ बना के तैयार करनी है। जिस साइज़ के आप थेपले चाहे उस साइज़ की आप लोई बना सकते हैं। थोड़ा सा हाथ पे तेल लगा के लोई को हम गोल गोल कर लेंगे। अब एक चकले या बोर्ड की मदद से हमें इसको बेलना है। थोड़ा सा हम सूखा पाउडर इस पे डस्ट कर लेंगे और इसको हम बेलेंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये देखिए बड़े हो जाते हैं, बेलने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो हम बेल के रख लेते हैं। आप चाहे तो एक साथ बेल कर भी रख दें या फिर एक एक करके भी आप बेल सकते हैं। तवे को मैंने गरम कर लिया है और इसे हम जैसे पराठे सेकते हैं ना, उस तरह हमें इसको सेकना है। दोनों साइड से ही हम इसको तेल लगाकर अच्छे से सेकेंगे, लेकिन हमें इसको कम फ्लेम पे नहीं सेकना है। कम फ्लेम पे सेकेंगे तो क्या पराठे थोड़े से टाइट हो जाएंगे, तो हमें इसको फुल फ्लेम पे सेकना है। एक एक करके हम सभी थेपले जो है इस तरह सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पराठा हमारा सिक कर तैयार हो गया है। दूसरा भी इसी तरह हम इस पर सेक लेंगे। थेपले हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही अच्छे थेपले बने हैं। तो ये बिल्कुल जब ठंडे हो जाएंगे तो इनको हमें एयर टाइट कंटेनर में ढककर रख देना है फ्रिज के अंदर, जिससे 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सकें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।